पठानकोट मनाली नेशनल हाईवे पर कांगड़ा हवाई अड्डे के पास रजोल गांव का पुल धंस गया। आपको बता दें, लगातार 3 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते हिमाचल के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिस कारण से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी व गग्गल थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा व अन्य अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। जिस तरह से दहशत का माहौल लोगों का रहा, सब घर छोड़ के बाहर आ गए, उसने जो है पूरे प्रदेश में क्रॉसिंग हुई है। कई शहरों का रोड में जिस तरह का, इससे पहले भैरू में पूरे गांव में 37 पशु जो है वो बह गए थे, लोगों के घर बह गए थे, और अभी दूसरे बरसात में भारी नुकसान है। तो केंद्र भी हेल्प कर रहा है इसमें, और प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर जी से गुहार लगा के शाहपुर कंस्टिट्यूंसी में सल्ली सहित और भी बहुत सारे स्थानों पर नुकसान की सूचना मिल रही है, तो किस तरह से प्रशासन को आदेश दिए हैं कि किस तरह से लोगों को राहत दी जाए? माननीय मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा क्षेत्र में 35-35, 40-40 लाख जो है इस आपदा के लिए पहले दे दिए, जिसमें पिछली बरसात में जो नुकसान हुए जगह जगह पे, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को और पैसा देके जो भी रिपेयर वर्क या ब्रेड वर्क लगाने की बात होगी उसको प्रायोरिटी में लिया जाएगा बाकी चीज़ों से। तो आज प्रायोरिटी प्रदेश पे जो नेचुरल बाढ़ से जो त्रस्त है, चाहे वो आप चंबा में कल थी जिस तरह से, रावी में जिस तरह से नुकसान था, या कुल्लू का हम व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, और हर विधानसभा क्षेत्र के अनेकों कोने, हर जगह का जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन जगह जगह पर जो है वो सड़कें और पुल बह गए, जिस तरह से रजौल का मेन बड़ा पुल का एक हिस्सा बह गया है। तो इस तरह से हमें जो है सरकार को प्रायोरिटी जो है वो बाढ़ से ग्रसित जो वहाँ पे एरियाज होंगे उस पर देनी पड़ेगी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए कांगड़ा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।